सहारनपुर गांव में आस्था नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी मां की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसके पिता ने पूजा से दूसरी शादी कर ली थी। आस्था के पिता मोहन को लगा कि आस्था की नई मां पूजा आस्था को बहुत प्यार से रखेगी, लेकिन पूजा ने मोहन से केवल उसके पैसों के लिए ही विवाह किया था। एक दिन मोहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, लेकिन पूजा ने उसकी अच्छे से देखभाल भी नहीं की, जिसकी वजह से मोहन की भी मृत्यु हो गई। मोहन और पूजा की एक बेटी अवनीत भी थी। आस्था दिखने में बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन अवनीत इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए अवनीत हमेशा आस्था को परेशान करती रहती थी और दोनों माँ बेटी मिलकर उससे सारे घर का काम करवाते थे। सुबह से तुझसे चार बर्तन नहीं धुले गए, सारे घर का काम कब करेगी और खाना कब बनाएगी? माँ, मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, ऊपर से आज बर्तन बहुत सारे थे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट घर का काम कर लूँगी और उसके बाद खाना भी बना दूंगी। तबीयत खराब तो तेरा बहाना है काम ना करने का, तुझे अच्छे से जानती हूँ मैं, तेरी माँ भी बिल्कुल तुझ जैसे काम चोर ही होगी। मेरी बेटी को भूख लगी है, समझी? जल्दी से जाकर उसके लिए कुछ खाने को बना। आस्था पर दोनों माँ बेटी मिलकर ऐसे ही जुल्म करते रहते और जो बचा कुचा खाना बचता था आस्था को वही खाना पड़ता था। उस दिन आस्था की तबीयत बहुत खराब थी। सारा काम खत्म करने के बाद आस्था अपने कमरे में उदास बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? नई पूजा माँ मुझे भी पसंद नहीं करती और आपको भी पसंद नहीं करती। जब आप मेरे साथ थी तो मेरी कितनी अच्छे से देखभाल करती थी, आप कहाँ चली गई माँ? ऐसे ही दिन बीतते गए। पूजा और अवनीत दोनों किसी न किसी बहाने हमेशा आस्था को परेशान करते रहते थे। एक दिन पूजा और अवनीत शॉपिंग करने जा रहे थे। आस्था, जल्दी से जाकर अवनीत को तैयार कर दो, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। जी माँ। आस्था अवनीत को तैयार कर देती है। घर से निकलते समय अवनीत अपनी माँ से कहती है, माँ इस मनुष्य पर भरोसा मत करना, रसोई में बहुत सारे काजू बादाम रखे हैं, कहीं ये सब खा ना जाए, इसलिए चक्र आप रसोई घर में ताला लगा आइए। तू सही कहती है बेटी। उसके बाद पूजा रसोई घर में ताला लगाकर अवनीत के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। बाहर शॉपिंग करने मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मेरा भी मन करता है जाने का, लेकिन माँ मुझे लेकर ही नहीं जाती। आस्था अकेली बैठी थी कि तभी फोन बजा। आस्था फोन उठाती है। हेलो, क्या मैं मिस आस्था से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आप कौन? मिस आस्था, बधाई हो, आप पूरे 10,000 रुपए जीत गई। क्या कहा, 10,000 रुपए? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, मैं फैशन डिजाइनिंग अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। 4 महीने पहले हमने आपके गांव के बाजार में एक प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता में वेस्ट मटेरियल से ड्रेस बनानी थी, क्या आपको याद है? आप अपने हाथ से सब्जियों का थैला लेकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुँची थी। इस प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके हैं, कंग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हैं। आस्था ये सुनकर बहुत खुश हुई। जी जी, मुझे याद है, अब आप ये बता दीजिए कि मुझे मेरा इनाम कैसे मिलेगा? आप घर आकर देंगे या मैं खुद आकर ले जाऊं? आपको आना पड़ेगा, मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, उसी एड्रेस पर आप कभी भी आ जाना। उसके बाद आदमी आस्था को एड्रेस बताता है। फोन कटने के बाद आस्था कहती है, यही अच्छा मौका है, माँ भी घर पर नहीं है, माँ के आने से पहले ही मैं जाकर अपने 10,000 रुपए ले आती हूँ। उसके बाद आस्था उस एड्रेस पर जाकर अपने नाम के 10,000 रुपए ले लेती है। घर आते समय वो अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर लाती है। सिलाई करना तो मेरा शौक है और मुझ में हुनर भी है, ये हुनर मुझे मेरी माँ से मिला है, पर मेरे पास सिलाई मशीन ही नहीं थी, लेकिन आज मैं सिलाई मशीन भी ले आई, अब मैं जैसा चाहूँ वैसे कपड़े सिल सकती हूँ। उसके बाद आस्था अपनी मशीन पर कपड़े सिलने लग जाती है। कुछ ही समय में आस्था एक बहुत सुंदर गाउन बनाती है। इतने में ही उसकी माँ और बहन शॉपिंग कर घर लौटते हैं। सिलाई मशीन देखकर उसकी माँ कहती है, बाप रे बाप, इतनी महंगी सिलाई मशीन तुझे किसने ला कर दी? आस्था सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी माँ को क्या कहे। वो हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, वो मैंने एक कंपटीशन जीता था तो ये मशीन मुझे वहाँ से इनाम के रूप में मिली है। सुन रही हो माँ, हमारे पीठ पीछे ये महारानी घूमने फिरने और अपने इनाम लेने चली जाती है। नहीं नहीं छोटी, वो लोग घर पर आकर ही सिलाई मशीन दे गए थे। तभी अवनीत की नज़र उस सुंदर गाउन पर जाती है। वाओ, कितना सुंदर गाउन है, अब ये गाउन मेरा है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं छोटी, जो मेरा है वो तेरा ही है, तू इसे रख ले। लेकिन जो मेरी बेटी का है वो तेरा बिल्कुल नहीं है। आई बड़ी सिलाई करने वाली महारानी, जाकर कुछ काम कर, घर के काम में मन लगाएगी तो मैं भी तुझसे खुश रहूंगी ना। आस पड़ोस के लोगों को जब आस्था की सिलाई मशीन के बारे में पता चलता है तो आस्था के पड़ोसी आस्था से कपड़े सिलवाने शुरू कर देते हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे आस्था से अब गांव के बहुत लोग कपड़े सिलवाने लगे। इन सब से आस्था को बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन वो सारे पैसे उसकी माँ छीन लेती थी। घर के काम के साथ साथ आस्था लोगों के कपड़े भी सिला करती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा आस्था के पास आकर बोली, कितने पैसे हुए तेरी सिलाई के? जितने भी पैसे बने हैं ला, सारे पैसे मुझे दे। आस्था सारी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ मैं इतनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिलती हूँ और बिना कुछ कहे आपको सारे पैसे दे देती हूँ, इसलिए अब मैं अपनी सिलाई के पैसों में से आपको सिर्फ एक चौथाई भाग ही दूंगी। ये सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। क्या कहा? जुबान लड़ाने लगी है मुझसे? सिलाई कर रही है तो खुद को क्या मास्टर नहीं समझ रही है? रुक जा, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। ये कहती हुई पूजा आस्था की सिलाई मशीन तोड़ देती है। पैसे कमाने लग गई है इसलिए तुझे घमंड हो रहा है, अब तेरा घमंड मिट्टी में मिल गया होगा। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। आस्था अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठकर रो रही थी। मैंने क्या गलत किया था जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? ऊपर वाला मुझे किस बात की सजा दे रहा है? माँ मुझे भी अपने साथ ले जाओ या आप ही मेरे पास वापस आ जाओ। कुछ देर बाद आस्था के कमरे में रोशनी बढ़ जाती है। आस्था का ध्यान सिलाई मशीन से हटकर रोशनी पर चला जाता है। अचानक से मेरे कमरे में पहले से ज्यादा उजाला कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। कि तभी आस्था को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ इसलिए तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती और तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आस्था अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही खुशी से चारों ओर देखने लगती है। माँ कहाँ हो आप? बहुत आग में चोले खेल दी मेरे साथ, अब बस हुआ, अब बस मेरे सामने आ जाओ माँ। कि तभी आस्था के सामने उसकी माँ एक परी के रूप में प्रकट होती है। माँ आप एक परी बन चुकी हो, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बेटी, मरने के बाद मैं एक परी बन चुकी हूँ, तो मुझे दिल से दिन रात याद करती थी, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे तुझसे मिलने का एक मौका दिया। उसके बाद आस्था अपनी माँ के गले लग जाती है। मैं जानती हूँ बेटी कि तू बहुत तकलीफ में है, तेरी दूसरी माँ ने तेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी, मेरा ही दिमाग खराब था जब मैंने तेरे पिता को अपने मरने के बाद दूसरी शादी करने को कहा, मुझे नहीं पता था कि वो तुझे इतना दुख देगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहती हुई परी माँ अपने जादू से टूटी हुई सिलाई मशीन को जोड़ देती है और कहती है, अब जल्दी से खुश हो जाओ। वाओ माँ, मेरी सिलाई मशीन तो जुड़ गई। नहीं बेटी, तुम्हारी सिलाई मशीन अब भी टूटी हुई है, लेकिन ये मशीन जादुई बन गई है इसलिए ये सबको जुड़ी हुई ही नजर आएगी। कोई फायदा नहीं माँ, वो आकर इसे फिर से तोड़ देंगी। चिंता क्यों करती हो, ये मशीन अब जादुई बन चुकी है, इस मशीन से तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी और कोई भी इस मशीन को तोड़ने की कोशिश करेगा ये मशीन उसे खुद ब खुद सजा देगी, मशीन तोड़ने वाले की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या सच में अब बहुत अच्छी हो माँ? बेटी अब मुझे जाना होगा, अब मैं चलती हूँ, पृथ्वी लोक पर रहने का समय खत्म हो चुका है। आस्था नम आंखों से अपनी माँ को विदा करती है। अगले दिन उसकी सौतेली माँ आकर देखती है कि उसकी सिलाई मशीन फिर से जुड़ गई। मैंने तो तेरी सिलाई मशीन तोड़ दी थी, फिर ये वापस कैसे जुड़ सकती है? जरूर तूने पहले से दो सिलाई मशीन खरीद कर रखी होगी और मुझे छुपा दी होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे भी तोड़ दूंगी। नहीं माँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे धमकी देती है, रुक। इसके बाद पूजा सिलाई मशीन को तोड़ने के लिए अपनी बेटी अवनीत से एक हथौड़ा मंगवाती है। उसके बाद उस हथौड़े से मशीन पर जोर से वार करती है। मशीन पर वार करते ही पूजा को जोर से करंट का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसे देखकर उसकी बेटी चिल्लाई, माँ ये क्या हो गया आपको? जरूर इस आस्था ने ही कुछ किया होगा, तेरी मशीन तो मैं अपने हाथों से खुद तोड़ूंगी। ये कहती हुई अवनीत भी उस मशीन पर वार करती है और उसकी माँ की तरह अवनीत को भी जोरों का झटका लगता है। मैंने आप दोनों से कहा था ना कि ऐसा मत कीजिए, अब आपने देख लिया ना इसका अंजाम, अब आगे से मेरी मशीन को छूने की हिम्मत मत करना वरना अगली बार इससे भी तगड़ा झटका लगेगा। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने आस्था के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब वो दोनों आस्था से घर का काम भी नहीं करवाती थी और उसे खुद गर्मा गर्म खाना परोसती थी। आस्था मन ही मन सोचती थी, मैं चाहती थी कि इन दोनों के मन में मेरे लिए प्यार हो, लेकिन ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, डर से ही सही लेकिन अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करती है। एक गाँव में सोम्या नाम की लड़की रहती थी। सोम्या अपनी माँ के साथ रहती थी।
बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी माँ की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उनके काम करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। इस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी सोमिया को उठानी पड़ी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और उसने कहा, माँ, घर घर में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे कोई और काम करना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के पीछे जो बगीचा है वहाँ मैं एक आम का पेड़ लगा लूँ। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसा नहीं है। माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं, उन पैसों से ही मैं बीज खरीद कर लाऊंगी और फिर आम का पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी किया करूंगी। बेटी, अब तो तू जिम्मेदार हो गई है, तुझे जो सही लगे तू वही कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर सोमिया को बहुत अच्छा लगा। और अगले दिन ही वो शहर से आम के बीज खरीद कर लाई और वो बीज अपने बगीचे में लगाने के बाद उसने बीज को पानी दिया और वो रोज उस बीज की बहुत देखभाल करती। कुछ दिनों बाद आम का पेड़ बड़ा हो गया और कुछ महीनों बाद उन पेड़ों पर आम भी आ गए। ये देखकर सोमिया को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन सोमिया आम के पेड़ों को पानी देने के लिए बगीचे में गई। वहां जाकर जैसे ही आम के पेड़ में पानी डाला, आम के पेड़ के नीचे एक जादूगरनी सो रही थी और उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया। कौन है तू लड़की, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तूने मेरे ऊपर पानी डाल दिया, तूने देखा नहीं मैं यहाँ सो रही थी। जादूगरनी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा था, मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं डाला, ये मेरा बगीचा है, मैं तो पेड़ों को पानी दे रही थी। लेकिन सोमिया की बात सुनकर भी जादूगरनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने गुस्से में सोमिया से कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि जिंदगी भर तुम इस दिन को याद करोगी और तुम्हें पछतावा होगा। ये कहकर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सोमिया के आम के पेड़ों पर जादू किया और हंसते हुए वहाँ से चली गई। सोमिया को कुछ भी समझ में नहीं आया और पेड़ों को पानी देते हुए वो सोचने लगी, लगता है ये जादूगरनी पागल है, इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने घर वापस चली गई। अगले दिन वो सुबह जब पेड़ों को पानी देने वापस आई तो उसने देखा कि आम के पेड़ों के सभी आमों में कीड़े लग गए हैं और सभी आमों पर काले काले धब्बे आ गए हैं। ये देखकर सोमिया को रोना आ गया। तभी उन आमों में से एक आम की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ, अपनी ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा है, कल तो तू सोच रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है तुम जादूगरनी का जादुई आम हो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत मेहनत करके आम का बगीचा बनाया है, अगर ये आम नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। जब तक मैं इस बगीचे में हूँ तब तक इस बगीचे में एक भी आम सही नहीं रहने दूंगा, अगर तूने मुझे हटाने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी आम की बात सुनकर सोमिया को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। उसने अपनी माँ को जाकर सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जानबूझकर उस जादूगरनी के साथ कुछ नहीं किया था, वो शैतान जादूगरनी थी, इसलिए इतनी सी बात की वजह से उसने तुमसे बदला लिया है। लेकिन माँ, सारे आम के बाहर काले धब्बे आ गए हैं, मैं उन सभी आमों को कैसे बेचूंगी और अगर मैं आम नहीं बेच पाई तो घर कैसे चलाऊंगी? जो आमों में काले धब्बे आए हैं वो दिखने में जरूर बदसूरत से हैं, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तुम उन फलों को लेकर बाजार जाओ और बाजार जाकर उनको बेचने की कोशिश करो, शायद बिक जाए। ये सुनकर सोमिया बगीचे में जाकर आम को तोड़ने लगी। ये देखकर वो घमंडी आम हंसने लगा और उसने सोमिया से कहा, तुझे ये क्या लग रहा है, ये खराब आम ले जाकर बाजार में बेच पाएगी? तू तो बहुत पागल और बेवकूफ लड़की है,
लेकिन सोमिया ने उस आम की बात नहीं सुनी और वो सभी आमों को लेकर बाजार चली गई। बाजार जाकर कुछ दुकानदारों के पास गई ताकि उनको अपने बगीचे के आम दिखा सके। एक दुकानदार ने सोमिया से कहा, तू पागल है क्या? हम ऐसे सड़े हुए आम खरीदेंगे? तू हमें बेवकूफ बनाने आई है। लेकिन मेरे आम तो बाहर से दिखने में खराब हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। आप इन्हें एक बार चक्कर तो देखिए, आप इन्हें एक बार खरीद कर देखिए। आम दिखने में ही खराब है तो इसे देखकर कौन खरीदेगा? तो यहाँ से निकल, अब ये आम कोई नहीं खरीदेगा। ये कहकर दुकानदार ने सोमिया को वहाँ से भगा दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच गई और बहुत थक गई थी, इसी कारण एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोचकर रोते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगी। तभी थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति मिलता है जो कि जमीन पर गिरा पड़ा होता है। उसे देखकर सोमिया कहती है, लगता है ये साधु बाबा बेहोश हो गए हैं, मुझे इन्हें पानी पिलाना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। ये कहते हुए सोमिया भागते हुए नदी के किनारे गई। साधु बाबा के लिए एक लोटे में जल लेकर आई और जैसे ही सोमिया ने साधु बाबा को पानी पिलाया, तुरंत ही साधु बाबा को होश आ गया। साधु बाबा ने आँख खोलकर सोमिया को देखा और सोमिया से कहा, बेटी तुम कौन हो? तुमने आज भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, मैं आपकी जान बचा पाई ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटी मैं एक चुड़ैल को पकड़ने गया था, लेकिन वो बहुत ताकतवर है और वो मेरा पीछा करने लगी और मैं भागते भागते बेहोश हो गया। लेकिन बेटी तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर सोमिया ने सारी बात साधु बाबा को बताई। ये सुनकर साधु बाबा ने सोमिया से कहा, बेटी उस शैतान जादूगरनी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। ये कहकर उन साधु बाबा ने अपना हाथ घुमाया और उनके हाथ में एक जादुई बोतल आ गई। फिर उन्होंने वो जादुई बोतल सोमिया को दी और सोमिया से कहा, इसमें जादू ही पानी है, ये पानी तुम अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़क दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे उस चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले गए। सोमिया वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहाँ जाकर उसने जैसे ही वो पानी अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़का, तभी वो घमंडी आम आग में जलने लगा और जलकर राख हो गया। कुछ देर बाद सभी आम वहाँ से गायब हो गए और उनकी जगह सोने के आम आ गए। ये देखकर सोमिया खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से सोमिया धीरे धीरे सोने के आम बेचकर पैसे कमाने लगी। कुछ दिनों में ही वो बहुत अमीर हो गई और वो अपनी माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, पायल अपनी माँ और अपने पिता के साथ बालीपुर नाम के शहर में रहती थी। पायल बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, उन्होंने ही पायल को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। पायल के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। पायल को छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर जाना बहुत पसंद था, क्योंकि पायल की बुआ उसको बहुत प्यार करती थी। जब भी स्कूल की छुट्टियां पड़ती तो पायल अपने माता पिता के साथ बुआ के घर चली जाती थी। इसी तरह एक दिन, पापा मम्मी मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, हम बुआ के घर कब जाएंगे? मुझे बुआ के हाथ की बनी खीर खानी है। चलेंगे बेटा, अभी मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, हम अगले हफ्ते चलते हैं। ठीक है। पायल अगले हफ्ते जाने के लिए मान जाती है। पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। अगले हफ्ते पायल फिर से अपने पापा से कहती है, पापा एक हफ्ता हो गया, हम कब जाएंगे बुआ के घर? बेटी इस बार मुझे ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा काम है। तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, एक काम करो, तुम और मम्मी ड्राइवर अंकल के साथ बुआ के घर चले जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। पायल थोड़ा नाराज होती है लेकिन फिर मान जाती है।
अगले दिन पायल अपनी माँ के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर बुआ के घर के लिए निकल जाती है। बुआ के घर उसे बहुत मजा आता था क्योंकि वहाँ पर उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम प्रथा था। पायल प्रथा के साथ बहुत खेलती थी। बुआ के घर पहुँचने के बाद, बुआ हम आ गए। मैं तुमसे नाराज हूँ पायल, इस बार तुम पूरा एक हफ्ता लेट आई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी छोटी बहन तुमसे कितनी गुस्सा है। सॉरी बुआ। पायल प्रथा के पास जाती है और उसे भी मना लेती है। फिर वो दोनों खेलते हैं। बुआ के यहाँ पायल की छुट्टियाँ कैसे बीत जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इस बार पायल के पापा काम की वजह से उसे लेने भी ना आ सके। जब पायल अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर घर वापस लौट रही थी तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पायल के पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन उसकी माँ और ड्राइवर अंकल वहीं दम तोड़ देते हैं। वहाँ आसपास के लोग पायल के पापा को फोन करते हैं। पायल के पापा फौरन वहाँ आते हैं और पायल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और साथ में अपनी पत्नी और ड्राइवर का अंतिम संस्कार करते हैं। पायल के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो इस सदमे को बहुत मुश्किल से भुला पाती है परंतु अभी भी वो अपनी माँ को नहीं भूल पाई थी। जो पायल पहले इतनी चंचल हुआ करती थी अब उसने बोलना ही छोड़ दिया था। वो बोलती ही नहीं थी और जब बोलती थी तो एक ही बात बोलती थी, पापा माँ कहाँ चली गई? मुझे माँ के पास ले चलो, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बेटी माँ हमें छोड़ के बहुत दूर चली गई है, अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। तुम अपने आप को संभालो बेटा। पायल ने धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसके पापा को उसकी चिंता होने लगी थी। उसकी खुशी के लिए पायल के पिता ने उसको उसकी बुआ के घर छोड़ दिया और वही स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। बुआ के घर जाने के बाद पायल थोड़ा खुश रहने लगी थी लेकिन ना जाने क्यों अब धीरे धीरे बुआ का प्यार कम होने लगा था। बुआ हर बात पर पायल को ताने देने लगी थी। बुआ आज आप मेरे लिए खीर बनाओ ना, मैंने बहुत दिन से आपके हाथों की खीर नहीं खाई, मुझे बहुत पसंद है। घर में दूध नहीं है, बोल तो ऐसे रहिए जैसे तेरा बाप हर महीने यहाँ पैसे भिजवाता है। तुझे यहाँ छोड़कर खुद तो वहाँ पैसे कमाने में लगा है, तुझे पालने का जिम्मा हम पे थोप दिया है। पता नहीं तुझे यहाँ से कब लेकर जाएगा। हमारे घर में पहले से ही कम खर्चे थे क्या जो तुझे और छोड़ गया तेरा बाप। पायल अपनी बुआ की बातें सुनकर उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। बुआ ने आज से पहले मुझसे ऐसे कभी भी बात नहीं करी थी, पता नहीं बुआ को धीरे धीरे क्या हो रहा है। अब इसी तरह रोजाना होने लगा था। पायल की बुआ उससे घर का काम करवाने लगी थी और साथ में खाना भी बनवाने लगी थी। सुन पायल, किचन में जा और मेरे लिए एक मस्त कड़क चाय बना कर ला। लेकिन बुआ मैंने तो कभी चाय नहीं बनाई। बनाएगी तब तो बनाना आएगा ना, जा जल्दी, बहस मत कर। पायल किचन में चाय बनाने जाती है। पायल गैस ऑन करके उसे बिना जलाए छोड़ देती है और चाय का सामान ढूंढने लगती है। काफी देर तक गैस चालू रहता है। चाय का सारा सामान ढूंढने के बाद पायल जैसे ही माचिस जलाती है वैसे ही किचन में जोर का धमाका होता है। उस धमाके में पायल का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। बचाओ, बचाओ मुझे, बुआ, बुआ बचाओ। किसी तरह आग बुझाई जाती है। उसके बाद बुआ पायल के पापा को ये खबर देती है। पायल के पापा फौरन वहाँ आते हैं। भैया इन दिनों पायल बहुत बदमाशी करने लगी थी, मैंने उसे कितना मना किया कि किचन में मत जा तो उसे चाय नहीं बनेगी लेकिन फिर भी जिद करके चली गई। देखो ना क्या अनहोनी हो गई। मुझे माफ कर दो भैया। पायल के पापा कुछ नहीं कहते। पायल का काफी दिनों तक इलाज चलता है, वो ठीक हो जाती है परंतु उसके चेहरे पर एक बहुत अजीब सा निशान रह जाता है जिसके कारण वो बहुत बदसूरत लगती है। पायल जब हॉस्पिटल से घर आती है तो उसके पिता पायल की बुआ से कहते हैं, दीदी मेरे जैसा भागा बाप मैंने कभी नहीं देखा, अपनी बेटी को खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ, क्या फायदा इतने सारे पैसे कमाने का जब मेरी बेटी खुशी नहीं है। बुआ ऊपर के मन से कहती है, भैया तुम एक काम करो, पायल को यहीं छोड़ जाओ,
यहाँ रहती है तो जरा खुश रहती है। बुआ के एक बार कहने पर ही पायल के पापा मान जाते हैं। इस बात पर बुआ को बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचती है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, ये तो एक बार में ही मान गया, अब इस बुरी शक्ल वाली को पूरा दिन में कैसे देखूंगी। पायल के पापा चले जाते हैं। पायल अपने बुआ के घर रहने लगती है, लेकिन बुआ अब तो पायल पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करती थी और उसे उसके पिता को कुछ भी बताने से मना करती थी। मेरी बात ध्यान से सुन बसूरत लड़की, अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताया तो तेरी खैर नहीं, समझी? और हाँ, स्कूल का बहाना करके अपने पापा से पैसे मांग, समझी? पायल डर के मारे वैसा ही करती है जैसा उसे बुआ कहती है। वो स्कूल का बहाना करके काफी सारे पैसे अपने पापा से मांगकर बुआ को दे देती थी, लेकिन फिर भी वो उसको एक नजर नहीं देखना चाहती थी। अब तो प्रथा भी उसके साथ रहने से डरती थी। एक दिन, आओ प्रथा, चलो खेलते हैं। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं खेलना, अब आप भूत जैसी लगती हो, मुझे आपको देखकर डर लगता है, आपको देखने के बाद मुझे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, मुझे आपके साथ नहीं खेलना। प्रथा के इस बात पर पायल को बहुत बुरा लगता है। वो अपना चेहरा खराब होने की वजह से बहुत दुखी रहने लगी थी। पापा, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? बुआ पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करती, अब वो बदल गई है, मुझे अब यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आता, काश कि ये सारी बातें मैं आपको बता पाती। पायल को एक आइडिया आता है। वो बुआ के घर से भागने की सोचती है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पायल अपने मुंह पर एक दुपट्टा रखती है और खिड़की से कूदकर भाग जाती है। वो बुआ के घर से भाग तो जाती है, लेकिन उसे अपने घर तक का रास्ता नहीं पता था। वो इधर उधर भटकने लगती है और भटकते भटकते एक घने जंगल में चली जाती है। काफी देर हो गई थी, अब उसे बहुत भूख भी लग रही थी। वो एक कुएं के सहारे बैठकर रोने लगती है। माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो घर का रास्ता ही नहीं पता, मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँ? मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है और यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, मुझे बचा लो माँ। पायल रो ही रही थी कि तभी उसे कुएं से आवाज आती है। पायल, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ खाना भी मिलेगा और तुम घर भी जा पाओगे। कौन कौन बोला और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है पायल, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे बुआ तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। मैं जादुई कुआ हूँ, तुम जिस कुएं के सहारे बैठी हो मैं वही कुआ हूँ। अगर तुम जादुई हो तो मुझे बचा लो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो और मुझे घर भी पहुँचा दो। मैं तुम्हें जादुई दो नेकलेस देता हूँ, एक सोने का नेकलेस और एक चांदी का नेकलेस। सोने का नेकलेस पहनने के बाद तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर हो जाएगा, तुम पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी, और चांदी का नेकलेस से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। कुएं के इतना कहने के बाद उसमें से दो चांदी और सोने के नेकलेस निकलते हैं। पायल दोनों नेकलेस ले लेती है। पायल जैसे ही सोने का नेकलेस पहनती है वो पहले की तरह सुंदर हो जाती है। फिर वो चांदी का नेकलेस हाथ में लेकर उससे विश मांगती है। हे जादू चांदी के नेकलेस, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। चांदी का नेकलेस पायल को खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन दे देता है। फिर पायल फटाफट सारा खाना खा जाती है और दोबारा से विश मांगती है। हे जादू चांदी के नेकलेस, अब मुझे घर पहुँचा दो। उसके बाद चांदी का नेकलेस पायल को उसके घर पहुंचा देता है। शाम को जब उसके पापा आते हैं तो वो घर में पायल को देखकर चौंक जाते हैं। अरे तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना बेटा, और तुम्हारे चेहरे पे दाग कैसे? पायल अपने पिता को रोते रोते सारी कहानी सुनाती है और सब कुछ बता देती है। दीदी ने ये सब बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं दीदी के ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, लेकिन अब मैं बुआ के घर कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बेटा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तुम क्यों सारे अत्याचार सहती रही? मुझे माफ कर दो बेटी, मैं एक अच्छा पिता होने का फर्ज नहीं निभा सका, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा,
अब तुम मेरे साथ रहोगी और खुश रहोगी। पायल अपने पापा के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बाप बेटी अपनी दुनिया में खुश रहने लगते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।